बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम चैप्टर टू कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और आज हम उसमें एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपने आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, ये हम सारा पहले इनके प्रिंसिपल्स कर चुके हैं इन क्वेश्चंस के। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और खुद से कोशिश करें, फिर इनके जवाब देखते हैं। तो इट इज़ रियली कंफ्यूजिंग, क्या चीज़ रियल है। अब देखें, एक बंदा कह रहा है ये 4 है, दूसरा कह रहा है 3 है। तो असल में हमारी नज़र क्या होती है, आप देखें, यही वही बंदा है जो 17 साल पहले था और ये 100 ईयर्स के बाद। इसी तरह हम देखते हैं कि वही दरख्त होते हैं, कभी फूलों से लदे होते हैं और कभी वो खाली टहनियाँ होते हैं। अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तकय्यर को है ज़माने में। हमारी ज़िंदगी क्या है, जब हम पैदा होते हैं तो माँ बाप का पता नहीं होता, अल्लाह जिसके घर चाहता है पैदा कर देता है और फिर ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से चले जाते हैं। ना हमें अपना नाम भी हमारा अपना नहीं होता। तो असल में कुरान जीद में अल्लाह ने कहा है वामल हयात दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी क्या है, धोखा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो ना ज़िंदगी, पैदा होने का वक्त हमारे हाथ में, ना माँ बाप हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, ना बहन भाई अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं, किस कबीले में पैदा होते हैं। तो फिर थोड़ी सी ज़िंदगी है, ना मरने के टाइम का पता है। तो अगर किस कोई भी अपनी चीज़ नहीं है तो फिर जो थोड़ी सी अपनी मर्जी है उसको रब की मर्ज़ी के ताबे कर लें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ें, अपने रब को जानें, अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचानें। तो आज से अपने रब को जानने के लिए कुरान की तर्जमे से पढ़ना शुरू करें। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, उसका पहला पार्ट करते हैं। आप देखें कि ये है हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो स्क्वेयर रूट से कट जाता है तो हमारे पास -3 आंसर आता है। तो इसका प्लस दिया हुआ है तो इसलिए इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो है आई की रेज पावर 73। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देख रहे हैं कि आंसर 1 आता है और इसका आंसर -1 है, तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है आई रेज पावर 10, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 ही आता है, तो ये -1 दिया हुआ, इट्स ट्रू। फिर उसके बाद है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो पहले तो ये है कि हमने इमेजिनरी नंबर को रियल नंबर में चेंज करना है, तो हम आई स्क्वेयर की बजाय उसकी वैल्यू लगाएंगे -1। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ एसोसिएटेड विद इट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर नोन एज इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यू फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिंपली बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का कॉम्प्लेक्स नंबर जो है साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी जो है वो 6i रह गया, क्योंकि आई स्क्वेयर को हमने रियल में कन्वर्ट कर लिया। तो उस हिसाब से आप देखें तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि -6 से +6 हो गया, रियल नंबर -1 और इमेजिनरी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आ जाता है, तो इट इज़ अ ट्रू, क्योंकि आई स्क्वेयर बी स्क्वेयर जो है आई स्क्वेयर का -1 लगाया और -b² और -, बल्कि प्लस हो जाएंगे। फिर है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसमें से सेपरेट करना है, a इज़ रियल नंबर और जो है a और b को अलहदा कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ गया 6 और 11, तो इट इज़ आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड रियल नंबर, ये हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं और दिस इज ट्रू। तो उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा, समझ भी आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।